मम्मी इधर आओ। दो लाइन बिल्कुल करिए साफ, बिल्कुल साफ है ना। दो चुन्नू चुन्नू कमिंग इधर आ रहे हैं। आपको बोला है गुड मॉर्निंग, कह रहे गुड मॉर्निंग दीदी। दो कब निकलेगा वो? अभी तो निकलेगा 9 months के बाद। 9 months जब आपका बर्थडे आएगा ना, अगला बर्थडे 9 आपके बर्थडे पे आ जाएगा। 4 months होए यहाँ तो, इसमें में गिनो ना। हेलो एवरीवन, अभी स्ट्रेट अवे 3rd trimester शुरू हो चुका है। सो अभी 7th month मेरा स्टार्ट हो चुका है। आई नो बीच में मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी इस पूरी जर्नी को, यू नो डॉक्यूमेंट करूँगी, बट एक्चुअली क्या हुआ, जब कंसीव हुआ था तो उसके बाद अमायरा बीमार हो गई थी एंड शी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, और उसको ठीक करने में और उसको नॉर्मल उसमें लाने में मुझे 3 months लगे। तो उन 3 months में मैं एक तो मॉर्निंग सिकनेस भी होती थी और हर चीज़ से स्मेल से प्रॉब्लम होती थी, प्लस उसका ध्यान रखना होता था, उसके खाने का ध्यान, उसको जूसेस देना, उसकी मेडिसिन उसको टाइम से देना। तो मैंने 2-3 महीने ना मैंने उसी के चारों तरफ घूम के निकाले, बस काम करती थी और उसको संभालती थी। तो दैट्स वाई बीच में टाइम नहीं मिला, और उसके बाद वैसे ही टाइम नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ चलता जा रहा था। बट देन आई फाइनली थॉट कि अब अगर मैंने शुरू नहीं किया ना तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फॉर माई मेमरीज़, लाइक फॉर आर मेमरीज़। तो अभी करंट अपडेट जो है वो ये है कि एज यू गाइज नो, ये मैंने वाइट वॉश अपने इस एरिया में जहाँ पे मैं शूट करती हूँ इस एरिया में मैंने ऑलरेडी करवा लिया था बिगनिंग ऑफ दिस ईयर में ही। अभी क्या है कि बीच का जो एरिया है वहाँ पे अभी भी ब्लू कलर है, तो अभी उसको चेंज करवाऊँगी मैं, एंड देन थोड़ी सफाई करेंगे, सामान ऑर्डर करना है जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है बेबी केयर में, और मेरे लिए जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने ऑर्डर करी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भी मुझे ऑर्डर करनी है, फिर एक बार ये पेंट और सफाई हो जाएगी उसके बाद तो सारे सामान को सेट करना है, और हॉस्पिटल बैग पैक करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर अभी अल्ट्रासाउंड होने वाला है 8 month वाला, तो जैसे 8 month स्टार्ट हो जाएंगे फिर वो अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाना है। तो आई थॉट कि चलो अभी मैं शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। और होता क्या है ना कि जब एक बार आप शुरू कर देते हो ना कोई चीज़ ब्लॉग करना, तो फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि नहीं यू हैव टू डू इट, तो फिर आप कैमरा खोल लेते हो। अदरवाइज़ इतने टाइम से देखो मैं इतनी लेज़ी हो रही थी कि मैं खोल ही नहीं रही थी। बट या अभी काम शुरू करते हैं। इधर हमारे जो ड्राइवर हैं भैया वही पेंट करते हैं, उन्होंने पेंट कर दिया था, इज़ अ मल्टीटास्कर, तो वो पेंट का काम भी कर लेते हैं, बिजली का काम भी कर लेते हैं। तो अभी उन्हीं को मैंने बोला है कि ये जो पार्ट रह गया है वहाँ पे करना है पेंट, तो वो आज आएंगे और आज इस एरिया को हम पेंट करेंगे, एंड देन फिर रूम की क्लीनिंग करेंगे, और रूम में देखूंगी अगर मैं पेंट की ज़रूरत है तो करवाएंगे, अदरवाइज़ रहने देंगे, बिकॉज ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आई थिंक ही इज़ हियर। Now it's looking better. मैं अभी एक कोट और होएगा। Morning everyone. So अभी पेंट का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, पीछे जो हॉल वाला एरिया था सारा कंप्लीट हो गया है। बस अभी बहुत सारा कुछ सामान था जो मैंने मंगवाया था बेबी केयर वाला, तो वो भी आ गया है, पर उसमें से एक चीज़ है जो मैं रिटर्न करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे वो यूज़फुल नहीं लग रही है। तो अभी मम्मी गए हैं अमायरा को छोड़ने, और ये गए हैं टूर पे। अभी ये कुछ सामान आ गया है, डाइपर्स आ गए हैं, और ये बेडिंग मैंने मंगाई है, बट आई एम नॉट श्योर शुड आई कीप इट और नॉट। ये मैंने हॉस एंड किंडर से मंगवाई है, पर मुझे ना इसका यूज़ नहीं लग रहा है कि मतलब 2-3 महीने के बाद लाइक इसका कोई यूज़ नहीं है। वेयर एज जो ये नर्सिंग पिलो है ये मैं रख रही हूँ, बिकॉज़ लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि मेरे को ना प्रॉब्लम हुई थी,
तो ये तो मैं रखूँगी, ये मैं रिटर्न कर रही हूँ। वैसे तो क्वालिटी ठीक है इसका, बट यहाँ से ना ये बहुत ही गंदा आया है, कुरियर वाले ने बहुत गंदे तरीके से इसको भेजा है। बट अभी के लिए हम रिटर्निंग दिस एंड आई एम कीपिंग दिस वन, और बाकी सामान भी धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, क्या हो गया ना, देखो पहले यहाँ पे ना ब्लू कलर होता था इस वाले एरिया में, तो ये बहुत गंदा लगता था, वेयर एज अब ये बहुत ब्राइट लग रहा है। अब मैं कहीं भी खड़े होकर ब्लॉग कर सकती हूँ, पहले ये चीज़ नहीं पॉसिबल थी, बट अब ये हो सकता है। ऑल्सो मैंने कबर्ड ऑर्डर करी है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर आईकिया से, अब वो देखो वो कब आता है। तो वो जब आएगा फिर उसको सेट करूँगी, तो मैं सोच रही हूँ उसको ना यहाँ बेड के साइड पे, इसको हटा के, जो ये मेरा ये है इसको हटा के मैं यहाँ पे कहीं पे उसको सेट कर लूँगी, देखती हूँ कैसे बनता है सेटिंग। बट अभी क्या है ना कि मुझे अमायरा को स्कूल जाना होता है, तो उसकी वजह से मेरे को भी मतलब 6:15 उठना पड़ता है, और रात को नींद पूरी होती नहीं है, तो अभी बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है मुझे। तो बस मैं नहाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर एक नैप लूँगी, सो दैट थोड़ा मेरे को वो लगे, और आज तो वीडियो भी अपलोड करना है मुझे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश कि मैं जितने ज़्यादा वीडियोज़ एडवांस में शूट करके रख सकूँ, शूट करके एडिट करके बिल्कुल तैयार करके बना के रख दूँ, उतना अच्छा है, बिकॉज़ फिर 1 month तक तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनी थिंग। अब पता नहीं 1 month लगेगा, 1.5 month लगेगा, 2 months लगेंगे, तो आई डोंट नो। तो इसलिए मुझे एडवांस में चीज़ें करके फ्री होना है बिफोर माई डिलीवरी। सो या वही काम करेंगे। हेलो एवरीवन, सो फाइनली अभी 8 months कंप्लीट होने वाले हैं, घर का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, वाइट वॉश हो चुका है, रूम भी क्लीन हो चुका है, रूम के अंदर भी वाइट वॉश हो चुका है, कबर्ड आ गई है जिसको भी हम जोड़ेंगे। बट आज एज यू कैन सी मैं पूरे ग्लैम अवतार में हूँ, बिकॉज अभी मैं फोटोशूट कह रही हूँ, अभी मैं वीडियो शूट करके हटी हूँ। एज यू कैन सी सेटअप अभी वैसे सारा सामान पड़ा हुआ है, कपड़ों का मैंने हॉल शूट किया है, बेबी का एज वेल एज न्यूबॉर्न असेंशियल का शूट किया है, और एक दो कोलैबोरेशन वाले वीडियोस थे वो कंप्लीट किए हैं। इधर ढेर लगा हुआ है सारे सामान का, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने वीडियोस मैं एडवांस में शूट करके रख सकूँ वो मैं रख रही हूँ। तो अभी ये शूट मैंने शुरू कर दिए हैं एडवांस वाले, साथ के साथ जो मंथली वाले होते हैं वो भी होंगे, बट अभी के लिए यही है, बस अभी ये हो गया है। सारे कपड़े मैंने दिखा दिए हैं, तो अभी इनको बस हम वॉश करेंगे और फिर हम करेंगे बैग पैक, और इसके अलावा कुछ और वीडियोस हैं जो मुझे शूट करनी है। मैंने लगाया हुआ है हिसाब, 26 वीडियोस हैं जो मुझे शूट करके एडिट करके रखनी है बिफोर माय डिलीवरी। वैसे लास्ट टाइम की विजिट में डॉक्टर ने कहा था कि वी वॉन्ट टेक रिस्क, तो हम सिजेरियन ही करेंगे, बट लेट्स सी। अभी 8 month के इस पर अल्ट्रासाउंड पता चल जाएगा बेबी वेट कितना है और क्या हिसाब किताब है, सो फिंगर क्रॉस्ड। ये वाला भी यूज़ हो जाएगा ना, ये 3 to 6 है। चुनू ये आपको जब आप वो था ना क्रिसमस थी तब पहनना था आपने ये वाला, तो ये भी ठीक है। एक ये वाला सूट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई कुछ नहीं हुआ। ये यूज़ हो जाएगा, ये भी यूज़ हो जाएगा, ये बिल्कुल नया है। तो दो ये हो गए, ये वाला हो जाएगा, ये भी यूज़ हो जाएगा। अभी साथ टोपी भी थी और सॉक्स भी थे, मतलब पूरा ही सेट है, तो ये भी यूज हो जाएगा। ए है ना, देखो छोटा सा, ये फर्स्ट डे पहनाया था जब आप पैदा हुए थे, तब का शूट है ये। ये वाला भी यूज हो जाएगा, इसमें भी हल्का हल्का दाग है बट हो जाएगा, ये भी यूज। एक ये भी यूज हो जाएगा, तो एक ये हो गया, ये भी यूज हो जाएगा। ये वाली दो कैप्स थी, ये भी यूज हो जाएंगी ना। ये आपको यूज ही नहीं हुई माना, ये ऐसे ही रही, ये भी नहीं यूज हुई और ये भी नहीं यूज हुई, ये मैंने ली थी छोटी छोटी सी भी। ये है वो छोटे छोटे मिटन्स, पर ये वाले का देखो ना पूरा येलो हो गया है। ये थे आपके मिटन्स, और ये बिब्स भी ठीक है, ये भी यूज हो जाएंगे। ये कुछ थर्मल निकले हैं, ये भी यूज हो जाएंगे, बट इसमें क्या हो गया ना, ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, जैसे अभी ये वाइट है ना, तो इसमें ये नीचे से बहुत इसमें से दिख नहीं रहा, पर ये बहुत है ना यहाँ से, हाँ अब दिखेगा, ये येलो येलो हो गया है। चुन्नू का सूट है एक, ये बॉर्न 2018 लिखा हुआ है इस पर पिन्नू पे, है ना देख। पर ये आपको आया था जब आप बहुत आई थिंक 5-6 महीने के हो गए थे, तब आया था आपको ये, बड़ा था, हाँ थोड़ा बड़ा है ये सोचा था कि हॉस्पिटल में पहनाएंगे, बट ये बहुत खुला था आपको,
बट ये जब पूजा हुई थी ना तब पहनाया था आपको, तो तब भी काफी लंबा था ये, 5 मंथ्स पे आया था पूरा। ये भी यूज हो जाएगा, पहना देंगे इसको, हल्का सा येलो हो गया ये भी। बाकी नए वाले हैं उनको भी सेट करते हैं, अब उनको धोते हैं और फिर सेट करके रखते हैं, क्योंकि अलमीरा आ गई है उसको जोड़ेंगे और यहाँ लगा देंगे, फिर ये सारे कपड़े धो के उसमें एक बार सेट कर देंगे, है ना भाई चुन्नू? तुन्नी भी है यहाँ पे, चुन्नू से हाय। हाय। ये भी लगा हुआ तैयारी कराने, तो अभी बस कपड़े धोएंगे, मम्मी भी से हाय। तो अभी ये नए पुराने सारे रखे हुए हमने, इनका जो नए मैंने कपड़े लिए इनका मैंने शूट किया हुआ हॉल वीडियो, बेबी क्लोथिंग हॉल, तो वो मैं डाल दूँगी अभी, देखो कब डलेगा, इस ब्लॉग से पहले डलेगा या इसके बाद डलेगा, तो वो मैं बता दिखा दूँगी, उसमें आपको पता लगेगा कौन कौन से कपड़े मैंने लिए हैं, तो भी देख लेना। और अभी के लिए तो यही अपडेट है, अभी हमें जाना है हॉस्पिटल 18 के बाद, आज 16 है ना, आज 16 है, तो 18 से हो जाएगा शुरू हमारा 8th मंथ, और फिर जाना है हमें अल्ट्रासाउंड के लिए। आर यू एक्साइटेड? यच 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 यच। चलो से बाय बाय। हेलो एवरीवन, लिटिल अपडेट, टुडे इज 19th ऑफ अगस्त, और अभी ना मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं एक के बाद एक, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, पहले भी आ रही थी बट अभी एक डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा हो गई है मुझे, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ इट अ साइन ऑफ अर्ली लेबर और व्हाट, बिकॉज अभी तो 8th स्टार्ट हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड भी करा लेंगे और एक बार चेक भी करवा लूँगी कि क्या है, और आज सब कुछ ही पूछ के आएंगे कि कैसे कैसे क्या सिस्टम है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, अलमीरा आ गई है, कपड़े भी हमने सेट कर दिए हैं, वॉश भी कर दिए हैं, बस अभी फ़ोटोशूट वाला काम रहता है, बिकॉज अभी तक एक भी फ़ोटो नहीं है मेरी बम्प के साथ और फैमिली के साथ, वो स्ट्रेस मुझे हो रहा है, आई थिंक आई एम ओवर स्ट्रेसिंग विद द वर्क, मे बी मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि वीडियोज़ करनी है, शूट करने हैं, एडिट करनी है एडवांस में, क्योंकि मैं कंटिन्यू उसी काम में लगी हुई हूँ, शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, तो मे बी आई एम ओवर, अपने आप को मैं ज़्यादा वो दे रही हूँ स्ट्रेस, तो आई थिंक आई नीड टू स्लो डाउन। बाकी अभी 6:45 का अपॉइंटमेंट मिला है, तो अभी जाती हूँ मैं, रूम ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, सामान ऑलमोस्ट सारा ही सेट हो गया है, हमारा मेन बेडरूम है, यहाँ पे भी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वाइट वॉश मैंने यहाँ भी करवा दिया है, और हमारा भी सो रही है, और ये कबर्ड यहाँ पे सेट हो गई है, सो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर भी यहाँ पे सेट हो गया है, इसके अंदर सामान भी मैंने ऑलमोस्ट सारा ही सेट कर दिया, नीचे विंटर्स वाले इधर टॉल्स एंड मसलिन क्लॉथ्स स्वडल्स, और इधर सारे कपड़े, और इधर सॉक्स एंड ऑल शीट्स एंड ऑल, और ऊपर स्किन केयर रखूँगी, और अभी डाइपर्स और वाइप्स रखे हैं, अभी और सामान इधर आएगा, तो ये आराम से यहीं पे सेट हो गई है इस कॉर्नर में, और यहाँ पे आ गया मेरा ये, और इधर हमारा बेड आ गया, तो इधर सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है रूम की, मायरा इज स्लीपिंग, तो अभी देखती हूँ क्या होता है, तो कोशिश करी थी मैंने सोने की बट दिमाग ना चलता ही जा रहा है, ये रह गया, अब ये वीडियो शूट करनी है, अभी ये करनी है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई नो मैं कोशिश कर रही हूँ काम डाउन होने की, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही वीडियो मुझे डालने हैं, मैं 2 भी डाल दूँगी, बट पता नहीं हट ही नहीं रही स्ट्रेस दिमाग से, और अभी मेन तो है कि फ़ोटो शूट नहीं हुआ, वैसे तो जो मैंने सोचा है पहनने का वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पर अब ये है कि मैं सोच रही हूँ बस नेक्स्ट वीक तक ये भी कर लूँ मैं, बिकॉज यू नेवर नो, अगर आज डॉक्टर ने बोला कि इट्स अर्ली लेबर का साइन, तो फिर हमें पहले ही सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा, तो अगर ये प्री लेबर के साइन हैं तो हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और उसको भी पैक करके रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे स्ट्रेस ना रहे कि यार शिट अभी बैग नहीं पैक किया, और एकदम से फिर अगर जाना पड़ेगा तो फिर कैसे एकदम से होगा, तो या अभी बस रेडी होती हूँ और हॉस्पिटल जाके आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। फाइनली गॉट टू द स्कैनिंग रूम, वेटिंग फॉर द डॉक्टर, अभी आए नहीं है, 2 घंटे हो गए मुझे,
अभी चेकअप हुआ है, दे सेड कि अभी स्कैन कराओ और फिर दोबारा दिखाओ, फिर लेट्स सी क्या होता है, सो जस्ट वेटिंग फॉर द डॉक्टर।